आईपीएल के आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बासानी शिकस्त दे दी और यूं इस मैच को जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 17वें ओवर के आगाज में ही 7 विकेटों से अपने हदफ को बासानी हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ ने 41 गेंदों पर 82 रन की शानदार इनिंग खेली। मैच के बाद विनिंग कैप्टन ऋषभ पंत ने पृथ्वी शॉ के बारे में बात करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी शॉ एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, अगर आप उसे कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो वो अपनी टीम को मैच जितवाने की सलाहियत रखता है। ऋषभ पंत ने कहा कि मैंने पृथ्वी शॉ से कहा था कि उसे नॉर्मल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हमें रन रेट पर फोकस करने की ज़रूरत थी। जबकि आखिर में ऋषभ पंत का कहना था कि पिछला मैच हमने सिर्फ एक रन से हारा था, सो टीम के तौर पर हमें कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। ऋषभ पंत का कहना था कि मैं कैप्टेंसी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ।